Cause I just wanna go, go, go to the deep end. टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए 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 सब आइए, बैठिए आराम से बैठिए। आज आपको मैं 10,000 से 15,000 के बीच में, अगर आपकी बजट है तो, पांच ऐसे फोन्स बताऊंगा जो वैल्यू फॉर मनी है और इनमें 4G 5G दोनों आपको मिलेंगे। और जुलाई का महीना अभी शुरू ही हो रहा है, मैंने सोचा हमला कर ही देते हैं और भी अलग अलग प्राइस कैटेगरी पर बनाएंगे। हर महीने आते हैं दोस्तों, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलेंगे। और लाइक करिए और कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि आप क्या इस महीने कोई फ़ोन प्लान कर रहे हैं परचेज करने के लिए, वो भी ज़रूर से बता रहा हूँ। सबसे पहला फ़ोन, हालांकि ये मेरे पास आके पड़ा हुआ था और हमने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं किया था क्योंकि कुछ नया नहीं होता इसमें, ये है Realme Narzo 30 4G वाला। हाँ, 12,000 से स्टार्ट होता है 464 और 6120 पे आपको मिलता है 14,500 का। प्राइस अच्छी लगी मुझे उसमें, नो डाउट, लेकिन कुछ ऐसा समझ रहे हैं। एनीवेज, प्राइस के हिसाब से फोन अच्छा है। आपको इसमें एक बड़ी डिस्प्ले मिलती है 6.5 इंच की फुल HD प्लस वाली, 90Hz रिफ्रेश रेट है। साथ ही साथ आपको 48MP ट्रिपल कैमरा है, अच्छे फोटोज निकाल लेते हैं, और 16MP आपको सेल्फी है। 5000mAh की बैटरी है लेकिन यहाँ पर 30W चार्जिंग है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। चार्जिंग आपको यहाँ पर थोड़ी फास्ट मिलती है। साथ ही साथ Helio G95 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चिपसेट है और आई थिंक ये अभी इंडिया का सबसे चीपेस्ट फोन बन जाता है जिसमें Helio G95 वाला आपको प्रोसेसर मिलता है, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसी के साथ साथ Realme UI 2 वगैरह चलता है, आपको LPDDR4X रैम सपोर्ट, UFS 2.1 स्टोरेज है और आपको फॉर्म फैक्टर भी ठीक है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह है। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो फोन प्राइस के हिसाब से डिसेंट है, तो अगर आपकी बजट 12,000 की रेंज की है तो आप इस वाले फोन को जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 10। जी हाँ, इन्फिनिक्स आजकल अच्छे काम कर रहा है और इस बार इन्फिनिक्स ने हमारे इस लिस्ट में एंट्री कर दिया है। इन्फिनिक्स नोट 10 11,000 से स्टार्ट होता है 464 और 12,000 का है 6128। इस प्राइस पर आपको ज्यादा रैम और ज्यादा स्टोरेज मिलती है, बहुत बड़ी डिस्प्ले 6.95 इंच की फुल HD प्लस वाली आपको एक IPS डिस्प्ले मिलती है और यहाँ पर हाइयर रिफ्रेश रेट नहीं है लेकिन 180Hz का आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। Helio G85 चिपसेट है, डिसेंट है दोस्तों, गेमिंग के लिए भी सही है, इतना बुरा नहीं है। साथ ही साथ 48MP ट्रिपल कैमरा है, कैमरा भी इनका जो रियर है वो अच्छा होता है, सेल्फी ठीक है 16MP की, 5000mAh बैटरी है, 18W फास्ट चार्जिंग वगैरह है, साथ में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह है और इसमें आपको उनका XOS 7.6 एंड्रॉइड 11, तो सॉफ्टवेयर ठीक है, थोड़े बहुत नए फीचर्स उन्होंने ऐड किए तो हाँ उतना मैं बोल सकता हूँ, लेकिन दोस्तों जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस होगा आपका इसमें वो बहुत अच्छा होगा और मैंने इसको कुछ दिनों से यूज किया था तो मैं बहुत इंप्रेस था, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों एक बहुत ही अंडररेटेड स्मार्टफोन है, ये है मोटोरोला का G40 फ्यूजन। इसमें दोस्तों कमाल के आपको स्पेक्स मिलते हैं और प्राइस बहुत अच्छी है, हालांकि प्राइस अभी थोड़ी बढ़ गई है लेकिन फिर भी 14,500 से स्टार्ट होता है 4GB रैम 64GB स्टोरेज और इस प्राइस पर ये इंडिया का सबसे चीपेस्ट फोन है जिसमें स्नैपड्रैगन 732G है। परफॉर्मेंस दोस्तों इस प्राइस पर आपको बहुत कमाल की मिलेगी, आपको LPDDR4X रैम सपोर्ट, UMCP स्टोरेज है और स्टॉक एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड 11 है, स्टॉक एंड्रॉइड, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होगा। 6.7 इंच की बड़ी डिस्प्ले लेकिन 120Hz की हाइयर रिफ्रेश रेट है, ये IPS है लेकिन स्मूथनेस आपको बहुत अच्छी मिलेगी। 6000mAh की बैटरी है, बड़ी बैटरी है और 20W फास्ट चार्जिंग भी है। साथ ही साथ 64MP ट्रिपल कैमरा और 16MP सेल्फी, कैमरा भी अच्छा है, हमने वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज है दोस्तों। अगर आप प्राइस देखते हैं और फीचर्स देखते हैं तो मुझे लगता है इस प्राइस पर ये एक बहुत ही कमाल का फोन है। अभी इतने फोन्स बता दिया, आप सोच रहे यार Xiaomi का फोन कहां पर है, है Redmi Note 10। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन है, हालांकि इस पर भी अभी हाल ही में प्राइस बढ़ गई थी लेकिन 6120 इसका आपको 15,000 का मिलता है, UFS 2.2 स्टोरेज और LPDDR4X रैम है, सॉफ्टवेयर ठीक है, MIUI चलता है, मे बी अगर फ्यूचर में इंप्रूव कर दे तो बेटर रहेगा, लेकिन डिस्प्ले अच्छी है 6.43 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, हाँ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। साथ ही साथ आपको इसमें 48MP कैमरा है पीछे क्वाड वाला और ये सोनी सेंसर है IMX582 और आपको 13MP यहाँ पर सेल्फी मिलती है, कैमरा अच्छा है, हमने टेस्ट किया था। उसके अलावा 5000mAh की बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग है, तो बैटरी भी अच्छी है और चार्जिंग भी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है और स्नैपड्रैगन 678 एक इंटरेस्टिंग चिपसेट है, गेमिंग के लिए भी आपके लिए मेरे ख्याल से सही रहेगा और आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह, तो ओवरऑल देखा जाए तो ज्यादा स्टोरेज और रैम देखकर मैं बोलूं तो ये फोन उस प्राइस पर काफी बढ़िया है। और आखिरी जो फोन है वो है Realme 8 5G 15,000 का है, 4GB रैम 128GB स्टोरेज, वैसे आपको
LPDDR4X RAM सपोर्ट, UFS 2.1 स्टोरेज सपोर्ट, Realme UI 2 मिलता है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ठीक है और डे टू डे लाइफ में बहुत फास्ट चलता है। वैसे मैं चाहूँ तो इस प्राइस पर पोको M3 Pro भी बोल सकता हूँ 5G वाला, लेकिन ये थोड़ा उससे बेटर है। सॉफ्टवेयर के हिसाब से मैं आपको ये वाला ही रेकमेंड करता हूँ। और उसी के साथ साथ आपको बड़ी डिस्प्ले 90 हर्ट्ज आपको रिफ्रेश रेट मिलती है, 5000 mAh की बैटरी, 18 वॉट चार्जिंग है, चार्जिंग थोड़ी सी कम है, साथ में 48 मेगापिक्सल आपको कैमरा है रियर के अंदर, 16 मेगापिक्सल सेल्फी है और आपको Dimensity 700 चिपसेट मिलती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चिपसेट है, हमने बहुत टेस्ट किया है, एक्सपीरियंस आपका इसमें बहुत अच्छा होगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है और फॉर्म फैक्टर भी फोन का काफी अच्छा है। वैसे अगर आपको एमोलेड डिस्प्ले चाहिए और थोड़ी फास्ट चार्जिंग अच्छी चाहिए और कैमरा थोड़ा और अच्छा चाहिए तो इसी प्राइस पर Realme 8 भी मिलता है, आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें Helio G95 है, वो 4G चिपसेट है, लेकिन चिपसेट इसमें ज्यादा बेटर, इसलिए मैं आपको ये वाला रेकमेंड करता हूं। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, ये 5 फोन हमने पिक किया है जो आप 10 से 15,000 के बीच में जाके चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, हर महीने आते रहेंगे, अगर आप कंफ्यूज है तो कोई बात नहीं, अगले महीने फिर आपको और भी नए नए फोन्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।